ये हवेली आज से बहुत साल पुरानी है, करीब हजार वर्ष पहले की। और बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ पर इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं, और वो यहाँ पर रहते भी हैं, और जरूरत पड़ने पर वो इस हवेली पर जान भी लुटा देंगे। वो यहीं पर रहकर इस हवेली की हिफाजत करते हैं। बहुत से लोगों को मानना है कि उन्होंने यहाँ पर बहुत बार नाग और नागिन को एक साथ देखा है, यहाँ तक कि उनका रूप धारण करते हुए भी उन्होंने देखा है। तो यहाँ पर बहुत सारा गहना भी छुपाया हुआ है पूर्वजों का। तो यहाँ पर गहना लूटने के लिए कुछ लोग आ पहुँचते हैं। तो इतनी खतरनाक हवेली जहाँ पर इच्छाधर नाग और नागिन रहते हैं, क्या वो यहाँ से सोना हीरे मोती क्या वो ले जा पाएंगे सही सलामत? अगर हाँ तो मुझे नहीं लगता। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है उनके साथ। यही वो हवेली है, करीब हजार साल पुरानी। इसमें सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ है, कैसे भी करके हमें लेके जाने हैं। सरदार थोड़ा संभल कर, यहाँ पर नाग और नागिन भी रहते हैं। सरदार साहब 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 साहब। अरे अरे डरने की कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे जिंदावर ऐसे ही हंडते रहते हैं यहाँ पे, बहुत पुरानी हवेली इसलिए। लगता है कोई आ रहा है, पर हमें इस हवेली की रक्षा करनी होगी। चलो उन्हें डरा कर भगाते हैं। अरे साहब साहब साहब, मैं नहीं जानती तुम लोग कौन हो, लेकिन जो भी हो यहाँ से चले जाओ। अगर तुम तुम्हारी जान की हिफाजत चाहते हो तो चले जाओ। मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगी। ये हमारी हवेली है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, जान भी लुटा सकते इसके लिए। चले जाओ यहाँ से। ठीक है जा रहे हैं, चलो रे। आज नहीं तो कल हम यहाँ से खजाना लेके ही जाएंगे, ठीक है ना? तुम लोग फिर से यहाँ पर आ गए? गंदे 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 रे। नहीं जो नहीं, तुम नहीं मर सकती। मैं कुछ चुन चुन के मारूंगा,
तुम्हारी भूत का बदला मैं जरूर लूंगा शिवन्या, जरूर लूंगा।